सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी करना था, लेकिन जो संख्या पब्लिश किया गया है वो काफ़ी कम है। और यहाँ तक कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने ही दिए हुए जवाब को भी पालन नहीं किया। अभी के समय में जिस तरीके से शिक्षा विभाग चल रहा है, जिस तरीके से शिक्षा विभाग के फरमान आ रहे हैं, वहाँ पे कोई मतलब जिम्मेदारी वाला कोई काम नहीं हो रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट रातों रात जारी करके अभ्यर्थियों को गुड न्यूज दी है। आपको मालूम है कि 2773 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं, लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में ये न्यूज अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज है? क्या वाकई में अभ्यर्थी खुश है, संतुष्ट हैं? तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट रातों रात जारी कर दिया गया है, आपने भी देखा होगा, प्रतिक्रिया क्या है संदीप जी? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी करना था, लेकिन जो संख्या पब्लिश किया गया है वो काफी कम है। और यहाँ तक कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने ही दिए हुए जवाब को भी पालन नहीं किया है। बिहार विधानसभा में जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसका लिखित जवाब हमें मिला था, और उसमें दो बातें उन्होंने स्वीकार की थी। एक तो उन्होंने कहा था कि जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं एक कैंडिडेट को, उन पदों पर और जो अनएलिजिबल, जो अयोग्य साबित हुए हैं डीवी के बाद या डीवी के समय जो छठे हुए हैं, तो इन दोनों पदों को जोड़ करके हम लोग रिजल्ट देंगे। ठीक है। और इनकी संख्या कतई 2700 नहीं है। बिल्कुल। आप समझिए कि 109,000 सीटों पर बहाली थी, और जो लोग नियुक्ति पत्र फाइनली लिए उनकी संख्या सिर्फ 90,000 है। बिल्कुल जी। तो 20,000 तो वहीं पे सीटें कम हो गई। उसके बाद मल्टीपल रिजल्ट हैं, उसके बाद डीवी के बाद छठे हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। 30,000-35,000 के से ज्यादा पद खाली होने चाहिए। और हमने सरकार से कहा था कि कम से कम 20,000 सीटों पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। देखिए, कोई भी बहाली होती है तो उसका एक नियम होता है कि जो बहाली करने वाला विभाग या आयोग है उनको नेचुरल जस्टिस का पालन करना होता है। उनको उनकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो हम पद खाली, जो रिक्तियां खाली हैं, उनको कैसे भरें। और इसके लिए आपने जब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा दिया है कि आपको न्यूनतम इतना अंक चाहिए, तो उस अंक को जो लोग क्रॉस कर लिए हैं और सीटें अगर बची हुई, तो उनको वो जगह मिलनी चाहिए। और इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट कम से कम 20,000 सीट पर मिलना चाहिए। लेकिन अभी के समय में जिस तरीके से शिक्षा विभाग चल रहा है, जिस तरीके से शिक्षा विभाग के फरमान आ रहे हैं, वहाँ पे कोई मतलब जिम्मेदारी वाला कोई काम नहीं हो रहा है। आपने जवाब कुछ दिया, काम कुछ कर रहे हैं, संविधान कुछ कर रहा है, आप कर कुछ और रहे हैं, तो इस प्रोसेस से तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकलना चाहिए। और हम सरकार से भी कहेंगे कि जब विधानसभा के अंदर हम लोग को कोई जवाब मिलता है तो उसका एक महत्व होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जवाब कुछ दिया और कर कुछ और रहे, काम कुछ कर रहे हैं। तो इस पर सरकार संज्ञान ले। हमने तो बार बार इसको उठाया है कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप ज्यादा संख्या में निकालिए, एक ही पद पे आप कितनी बार बहालियां निकालेंगे। देखिए, लेकिन रिक्तियां जो हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से जो रिक्तियां गई थी वो 4,000 कुछ पदों पर गई थी, लेकिन हमने देखा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2773 ही पदों पर आया है। तो शिक्षा विभाग ने आखिर किस नियम के तहत सिर्फ 4,000 ही भेजा था? पहली बात तो कम उसमें भी रिजल्ट दिया, वो एक बात है जी। लेकिन शिक्षा विभाग ने जो अयोग्य कैंडिडेट हुए हैं, जो डीवी के में छंट गए हैं या डीवी के बाद जिनको वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बाद में नोटिस निकाल करके बाहर निकाला, और ऐसे संख्या में हजारों में है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली थी तो पहले शिक्षा विभाग ने सिर्फ 4,000 भेजा ही क्यों? तो आपने तो वहीं गलती कर दी। और उसके बाद बीपीएससी ने उसमें भी कटौती करके और कम सीट निकाला, तो इसका क्या कारण है हमको नहीं पता है। लेकिन अभ्यर्थी काफी गुस्से में है और अब कह रहे हैं कि हम फिर से एक बार धरना करेंगे, मतलब ये जो न्यूज है उनके लिए गुड बिल्कुल साबित नहीं हुई। अब ये न्यूज सिर्फ उन्हीं के लिए गुड होगा जिनके जिनका नाम इसमें आ गया है। लेकिन जो एक नंबर से छूटे हैं या कट ऑफ से, मैं बता रहा हूँ, सब मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट जो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन कट ऑफ में जो एक नंबर से छूट गए या अंतिम कट ऑफ पे जिनका नंबर था लेकिन डेट ऑफ बर्थ के चलते जिनको छूट गया रिजल्ट,
तो उन अभ्यर्थियों में तो निराशा है और उनका आक्रोश भी जायज है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं, उनका आंदोलन का हम समर्थन भी करते हैं, आंदोलन का समर्थन करते हैं। अच्छा, हमने देखा था कि संदीप सौरभ जी गर्दनी बाग भी पहुंचे हुए थे जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर वहां पर अभ्यर्थी धरना दे रहे थे, और अब हम देख रहे हैं कि अभ्यर्थी जो है एक बार फिर से धरना की बात कर रहे हैं। अब तो आपने कह भी दिया है कि आप समर्थन करते हैं, लेकिन सवाल ये है संदीप जी कि क्या इसको लेकर आप शिक्षा मंत्री से मुलाकात कीजिएगा, आगे कुछ कीजिएगा? आप ये बताइए कि इन मुद्दों को लेकर के आज जो बिहार की स्थिति है, उसमें शिक्षा मंत्री से अगर मिल भी लेंगे तो क्या समाधान होगा? अच्छा, शिक्षा मंत्री तो ये बात कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुन, साइलेंट मोड में चले गए। तो जब शिक्षा मंत्री को ही इन सब बातों को लेकर के और एक तरह का संवैधानिक संकट बार बार बिहार और कार्यपालिका और सरकार इसको हैंडल नहीं कर रही, सरकार को लग रहा है कि बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया नहीं हो रहा है, बहालियाँ हो रही हैं, बहुत पेंटिंग डिमांड थे हम लोग की बहालियाँ हो रही है, बहुत ही अच्छी बात है, स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है, शिक्षकों की संख्या भी बढ़ रही है, बच्ची भी हो रही है, इसके बाद सरकार अभियान जारी कर रहा है, इसी प्रमाण में माना जा रहा है, उनको बाईपास किया जा रहा है, तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। तो आगे कुछ सोचा है इसके लिए? अभी इस मुद्दे को लेकर के असंतुष्टि महागठबंधन की होगा ना कि बीपीएससी टीआरई 1.0 काफी स्मूथली निकल गया, हमने देखा कि बड़े आराम से निकल गया, कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2.0 जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही हंगामे हो रहे। आपने देखा कि सीतामढ़ी में परीक्षा रद्द हो गई, सिवान में 90 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें प्रश्न पत्र ही नहीं मिला है, तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? तो बीपीएससी बताएगा, लेकिन इसके अलावा जो भाषा की बात उर्दू और बांग्ला जिन लोगों ने चयन किया था ऑप्शनल लैंग्वेज में, उनको उर्दू और बांग्ला का पेपर ना देकर के उनको हिंदी का पेपर, ये भी खबर आ रही है कि संस्कृत का चयन किया था और उनको उर्दू मिल गया, संस्कृत क्या है उसको नहीं पता, लेकिन ये सब बात को लेकर के हमने अतुल प्रसाद ने ट्वीट भी देखा कर लो। इसी तरीके से परीक्षा में एक बात की संस्कृति पेपर लीक जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रश्न पत्र ही नहीं मिल रहा है, ये कमी तो बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर, लेकिन जिस तरीके से पहले होता था परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटनाएं, सेटिंग की घटनाएं, वो कम से कम हमें लग रहा है कि आपको ये लग रहा है, लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं जब प्रश्न पत्र नहीं मिल रहा है उन्हें, तो वो कह रहे हैं कि आता है क्वेश्चन और क्वेश्चन वापस चला जाता है, सीतामढ़ी की बात बता रहे हैं आपको, क्योंकि अभ्यर्थी वहां पर कह रहे हैं कि बड़ा झोल हो रहा है अंदर अंदर, इसको देखना चाहिए, अगर ऐसा खबर आया सीतामढ़ी से परीक्षा रद्द विभाग देखें बीपीएससी देखें लगातार डेवलप करना चाहिए कि एजुकेशन परीक्षाएँ जो है कैसे कदाचार मुक्त और सबके लिए सही तरीके से परीक्षा इंश्योर करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कल मंगलवार है, कल कैबिनेट की बैठक हो सकती है, क्या लगता है नियमावली आ रही है? देखिए नियमावली अपने अंतिम चरण में सबकी बात हो चुकी, हमने जो सुझाव दिए थे लिख करके उसमें हमने कहा था कि विशिष्ट शब्द को हटा दिया, के लिए शिक्षा मंत्री तैयार है, शिक्षा मंत्री की तरफ से जो मुख्यमंत्री को सुझाव गए हैं बिंदुओं को समाहित किया गया है। अब नियमावली अब उसको लेकर के, लेकिन के पाठक अगर तैयार नहीं है अच्छा तो उसमें अब क्या और हो सकता है क्या नहीं है तो हम लोग देखेंगे, लेकिन के पाठक तैयार नहीं है विशिष्ट हटाने के लिए, वो तो मान के चलिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो भी कमी है जी जी, तो वो मानते हैं कि सब कमी शिक्षकों के चलते है जी, इसलिए शिक्षकों को जितना ज्यादा हो सके प्रताड़ित कर देना है,
उनको डरा करके रखना है। और शिक्षकों के का एक बड़ा संकट है कि शिक्षकों का कई सारा श्रेणी बना हुआ है, बहुत सारे कैटेगरी में शिक्षकों को बांटा गया है, तो उसी में एक विशिष्ट शिक्षक ये लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हमें लगता है कि सरकार इसको समझे। तो क्या आपको ये लगता है कि नियमावली जो अब तक रुकी हुई है, अब तक कैबिनेट में नहीं आई है, तो एक कारण के पाठक भी है? मैं नहीं कह रहा हूँ वही कारण है जी, लेकिन जो सुझाव गए थे जिससे शिक्षक संगठन लोग सक्रिय हैं, माने सहमत हैं, जिससे शिक्षा मंत्री सहमत हैं, तो वो आखिर शिक्षा विभाग से फाइनल क्यों नहीं हो रहा है? तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा जी। और हमें लगता है कि इसको जल्द से जल्द आना चाहिए था, ये पहले ही बात हुई थी बिल्कुल, और शिक्षा विभाग का उस समय कहना था कि इसको जल्द से जल्द आना है, तो मेरे ख्याल से कल भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं संदीप सौरभ जी, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।